अनिल यार रायबरेली आने का मकसद, अरे रायबरेली आने का मकसद क्या था? रायबरेली आने का आज नागरिक संशोधन बिल के संदर्भ में आज एक आपने देखा जनसभा का आयोजन है, और इसके बाद आम नागरिक गण जो विभिन्न धर्मों से जातियों से संप्रदायों से हैं वो एक नागरिक संशोधन बिल के संबंध में पैदल मार्च का आयोजन भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये देश की एकता सौहार्द और समन्वय के लिए आवश्यक है। नागरिक संशोधन बिल ये आज पूरा देश देख रहा है, कुछ चंद तत्वों के द्वारा जिस प्रकार की भ्रांति फैलाई गई थी और उसकी वजह से ना चाहते हुए भी कुछ जगहों पर हिंसा हुई, उसका कारण दुष्प्रचार था, और दुष्प्रचार का मुख्य बिंदु यह था कि जानकारी का अभाव के कारण लोग कहीं कहीं पर प्रदर्शनों में शामिल होने लगे। तो हमारा नागरिक संशोधन बिल के संदर्भ में जन जागरूकता अभियान का मकसद यही है कि हम लोगों को वास्तविकता बताएं कि आखिर वास्तव में नागरिक संशोधन बिल के लाभ क्या हैं और ये किन लोगों के लिए है, इसका किसी से नुकसान कहीं नहीं होने वाला है। तो ये हम लोग जगह जगह पर मार्च के द्वारा, जनसभाओं के द्वारा, लोगों के वहाँ घर घर जाकर डोर टू डोर उनसे मिलकर नागरिक संशोधन बिल के बारे में बता रहे हैं, जिससे जो पूरे देश में व्यापक रूप में दुष्प्रचार किया गया था उसके जवाब में हम बता सकें कि वो नागरिक संशोधन बिल के संबंध में कोई भ्रांति किसी को नहीं रहनी चाहिए। देखिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सरकार ने अपना रवैया स्पष्ट किया है, किसी भी निर्दोष के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा होगा, संपत्तियों को लूट रहा होगा, उनमें आग लगा रहा होगा, तो जैसा माननीय न्यायालय के निर्णय समय समय पर आए हैं उनकी संपत्तियों से वसूली की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर जो रैली अब निकाली जा रही है, अगर वो संशोधन लाने से पहले निकाली जाती तो क्या आपको नहीं लगता कि जो संपत्ति का नुकसान हुआ है वो ना होता? देखिए अब ये हम भविष्य के गर्त में ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता ये हो जाता नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप में आज इसकी आवश्यकता महसूस हुई और सर छपाक इस प्रकार से कहा जा रहा है। सर छपाक जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति हो रही किस तरीके से देखते हैं? छपाक सर मूवी आ रही है जिसको लकी के ऊपर एक जो एसिड पीड़ता है उसको लेकर एक मूवी बनाएंगे, छपाक जिसकी अभिनेत्री रही है दीपिका पादुकोण, वो अभी हाल ही में गई थी जेएनयू, उसको लेकर राजनीति करवाई हुई है। उस विषय को इस विषय से क्यों जोड़ रहे हैं सर? एक बिल्कुल हट के सवाल है, आप उसके मंत्री हैं, चार महीने से वेतन नहीं मिल रहा है आदमी के राज की, किसी भी अभिनेत्री को या उनको कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। प्रियंका गांधी गई थी लेकिन एसिड अटैक वाले से नहीं मुलाकात किया उन्होंने और मुलाकात किया सर। आप प्रियंका गांधी बनारस गई विभाग के माध्यमिक जो राजकीय विद्यालय के शिक्षक है चार महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। अगर कहीं ऐसी बात हो कि पर्टिकुलर मैं नहीं जान रहा हूँ, चार महीने से पूरे प्रदेश में वेतन नहीं जा रहा है। धन्यवाद।